हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पूजा बुटीक चैनल में। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा ट्रैवल बैग। हम 10 मिनट में ट्रैवल बैग बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखो, हमने इसमें फॉर्म सीट लगा रखी है। ये ऊपर हमारा कपड़ा है, ये अस्तर लगा रखा है हमने, और ये हमने इस तरह से 23 लंबाई है और 12 इंच चौड़ाई है। इस तरह के हमने 4 पीस रेडी किए हैं, और ये 2 पीस है जिनकी 12 इंच लंबाई है, 12 इंच चौड़ाई है। ये इस तरह से देखो, 12 इंच इसकी लंबाई है, 12 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरह से 2 पीस रेडी किए हैं ये हमारा, और एक इस तरह से इतनी ही लंबी हमने ये चैन ली है, और ये इस तरह से 2 स्ट्रिप ली है। तो हम इसको ये एक एक पार्ट में तो हम इस तरह से इस चैन को लगाएंगे, और ये कैसे हमें फिट करना है, यहाँ से इसको इस तरह से हमें ये रखकर बीच में से कट कर देना है। इस तरह से हमने ये 2 पार्ट कट कर लिए हैं, और इसमें यहाँ पर हम ये जिप लगा देंगे। इस तरह से जिप को लगा देंगे, और ये 2 पार्ट पर हम इस तरह से हम इसे लगा देंगे 2 पार्ट पर। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमें सिलाई करना है। फ्रेंड्स, हमें इस तरह से ये जिप को उल्टा करना है, और इस पर इस तरह से सिलेंडर को इस तरह से फ्रेंड्स हमें इस तरह से इसको अटैच कर लिया है। अभी हम यहाँ से टॉप स्टिच लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये हमने देखो इस तरह से निशान लगाया है, तो ये हमने लगाया है 7.5 इंच इधर से लिया है, और 7.5 इंच इधर से लिया है, और इस तरह से 9.5 इंच लिया है, और यहाँ से भी 9.5 इंच लिया है। हम ये इसमें पट्टी लगाएंगे, और ये पट्टी की हमने लंबाई ली है 54। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम ये इस तरह से यहाँ से सिलाई करके इसको अटैच कर देंगे। इस साइड भी इसको लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई हम 2-3 बार कर देंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने दूसरा भी तैयार कर लिया है।
ये भी इसमें अटैच कर दिया है। अभी हम इसमें पार्ट्स अटैच करते हैं। ये फ्रेंड्स हमने एक साइज के 4 पार्ट लिए थे, इसमें हमने ये चेन लगाई है। ये वाला पार्ट हम इस तरह से इसको करेंगे और इसको उल्टा रखेंगे और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। इस तरह से हम इसमें अभी सिलाई कर देंगे। फ्रेंड्स ये पार्ट हमने ये देखो इसमें जॉइंट कर लिया है। अभी हम ये दूसरा पार्ट लेंगे और इसको भी इसी तरह से अंदर कर और यहाँ से इसमें सिलाई कर देंगे। इसको भी इसी तरह से फ्रेंड्स हम इसे इस तरह से फिनिश कर देते हैं। देखो अच्छी तरह से फिनिशिंग से कर देते हैं। इस तरह से यहाँ से इसे फोल्ड करके और इधर भी फोल्ड कर यहाँ से सिलाई कर देंगे, फिनिशिंग हो जाएगा। देखो इस तरह से फिनिशिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से हमने फिनिशिंग कर लिया है देखो, और ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है इधर भी। अभी हमें ये बॉटम पार्ट है जो सेम साइज का लिया था, और इसको भी उल्टा रखेंगे इस तरह से और इसमें इस तरह से सिलाई कर देंगे। फ्रेंड्स ये हमने ऊपर वाला पार्ट, जिप वाला पार्ट इसमें जॉइंट कर दिया है देखो, और ये बॉटम पार्ट भी जॉइंट कर दिया है। अभी हमारे ये चारों पार्ट जॉइंट हो गए इस तरह से। अभी हमारे ये साइड के पार्ट रह गए। हम ये साइड के लिए लिया था हमने, इसमें हम यहाँ से कट करके पॉकेट भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे पॉकेट नहीं बनानी है तो मैं इसके लिए पॉकेट नहीं बना रही हूँ। इस तरह से हम इसे यहाँ से देखो सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स ये पार्ट है हमारा दूसरा, देखो इस तरह से। अभी हम इसको इसमें इस तरह से सिलाई कर देते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर जिप लग रहा है, यहाँ से ये हम सिलाई इस तरह से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम इसमें सिलाई कर देंगे। इस तरह से पूरा अटैच कर देंगे इसको। तो देखो हम यहाँ से इस तरह से रखकर हमने यहाँ से सिलाई कर लिया देखो ये वाला। अभी हम यहाँ से इस तरह से इसको टर्न कर
अभी ये इस तरह फिनिशिंग किया है, इधर भी फिनिशिंग करना है। ये पट्टी लगाकर ये हम कर लेंगे, इसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया था। फ्रेंड्स ये हमारा बैग देखो बिल्कुल बनकर, अभी यहाँ से हम चैन को खोलेंगे और इस तरह से इसको पलट देंगे। बहुत ही बड़ा बैग बना है हमारा। फ्रेंड्स देखो इसमें कितना स्पेस है, बहुत स्पेस है। बहुत ही आसान तरीके से इजी बन गया है। हमने इसमें पॉकेट नहीं लगाया है क्योंकि मुझे पॉकेट नहीं लगाना था। और इस तरह से देखो बैग बनकर तैयार हो गया है, काफी बड़ा है। इसको ले जाने में, कैरी करने में बहुत अच्छा रहता है, इसमें सामान भी बहुत आता है। इस तरह से हम इसे आसानी से फोल्ड करके ले जा भी सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।